भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को खेला गया। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम ने 6 विकेट 176 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 9 विकेट पर 155 रन ही बना पाई। 21 रन से मुकाबला जीतने के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। लोकल हीरो ईशान किशन महज 4 रन तो वनडे सीरीज में धमाल मचाने वाले शुभमन गिल सिर्फ 7 रन बनाकर चलते बने। राहुल त्रिपाठी भी कुछ खास नहीं कर पाए और बिना खाता खोले अपना विकेट गंवा बैठे। 3 लगातार झटकों के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या और उपकप्तान सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाला। दोनों ने विकेट बचाने के साथ ही रन गति को आगे बढ़ाया, लेकिन सेट होने के बाद दोनों आउट हो गए। सूर्य 47 तो हार्दिक 21 बनाकर विकेट गंवा बैठे। मुश्किल में फंसी टीम इंडिया के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने एक छोर थामे रखा और जोरदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 25 गेंद पर 5 चौके और 3 छक्के जमाते हुए 50 रन पूरे किए। आखिरी ओवर में वो लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में आउट हुए। भारत के खिलाफ पहले T20 में न्यूजीलैंड की तरफ से 2 अर्धशतक देखने को मिले। विकेटकीपर डेविन कॉनवे ने 35 गेंद पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 52 रन बनाए। इसके साथ ही निचले क्रम में आकर डेरिल मिचेल ने हाथ खोले और 30 गेंद पर 3 चौके और 5 छक्के जड़ते हुए 59 रन बना डाले। आखिरी में खेली गई इस तूफानी पारी ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट पर 176 रन पर पहुंचाया।